हर हर महादेव। गाइस ये मुकुट है, देख सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं नासिक के लिए, नासिक से फिर मंदिर चलेंगे। सो गाइस अभी चढ़ चुके हैं बस एंड अभी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि लेट्स गो टू नासिक। सो गाइस पोपट हो गया भाई, हम लोग 100 किलोमीटर आगे आगे भाई, फालतू ट्रैवल्स वाले हमें बताया नहीं कुछ नहीं गाइस, एटलीस्ट और बोल रहे कि बताया भाई। तो रेड बस तो भाई मेरे को लगता है फालतू, पहली बार क्या प्रॉब्लम हो गया उसी में। अभी हम लोग ये आए लियोनी और हमें और वापस जाना है नासिक, यहाँ से 90 किलोमीटर से। अभी भाई यहाँ पे बसेस भी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है यार। हे महादेव तुम्हारे पास आ रहे हैं और क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा होगा। सो अभी यहाँ से निकलेंगे हम नासिक, फिर वहाँ से पता नहीं यार थोड़ा तो लेट हो ही जाएगा। ये नहीं करना था, ये मिस्टेक नहीं करना था भाई। 100 किलोमीटर आगे आ गए यार, ये कैसे हो सकता है। मतलब बोल भी नहीं रहे ट्रैवल्स वाले भाई, हम तो सो जाएंगे ऑब्वियसली, देखते थोड़ी रहेंगे। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग नासिक पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा, बस चढ़ गए हैं त्रिंबकेश्वर की बस। एंड गाइस भाई आप बस थोड़ी सी दूरी है मंदिर के लिए एंड अभी पहुंच जाएंगे, अब दर्शन भी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा गाइस। ठीक है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था हमारे साथ, हम उधर पहुंच गए थे नीचे, बट अभी सब कुछ ठीक कर दिया, अभी हम लोग फिर से नासिक पहुंच गए और सीधा चलने वाले। तो लेट्स गो गाइस। गाइस फाइनली वी आर इन त्रिंबकेश्वर टेम्पल एंड ये त्रिंबकेश्वर है सिटी, ये देख सकते हो भाई। अभी 9 बज रहे आसपास, अभी सीधा निकलते हैं इधर से, देख सकते हो यहाँ से जाना है भाई। पता है ये मतलब बड़ी मंदिर नहीं है, जहाँ पे शिव भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, प्रकट होके स्थापित हो गए, जिसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, 12 ऐसी 12 जगह हैं वहाँ पे मंदिर हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी मंदिर है तो मैं वो नहीं बोल रहा, देखो तो पूछ रहा था ना अभी, बड़ी मंदिर है क्या, 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब भी वो ज्योतिर्लिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे प्रकट होके स्थापित होना है ना। कम मस्त लोकेशन है भाई, बादल देखो कितने नीचे, पूरा स्मोक भाई। तो गाइस अभी फ्रेश अप हो गए, अभी नहाना भी है एंड भाई ने बताया कि हरिहरी काफ़ी दूर है, तो ब्रह्मागिरी पर्वत ये है ऊपर, देन हम वहीं जाएंगे, वो चढ़ेंगे 850 समथिंग स्टेप्स है, फिर उसके बाद हनुमान जन्मस्थल तो बीच में ही है, वो तो ऐसे रुक के 5 मिनट दर्शन कर लेंगे। और अभी सामान लॉकर में डालना है और नहाना भी है, नहीं छुट्टा मतलब पैसा ही नहीं है, अभी वापस आके निकालेंगे ना फ़ोन से तब दे देंगे आपको। हाँ 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 ठीक है, दोनों को दे देंगे। कितने कितने का एक है? 10 का एक है। ठीक, ये कितने हैं? ये खा लेगा? उसको ही डाल दो। अच्छा आता मैं वापस आता, ठीक है? नहीं कभी नहीं। अच्छा तो तुम्हारा कितना हुआ? 11 तो तुम्हारा 11 हो गया? 11 नहीं देना। अच्छा ठीक है ना, ठीक है आ जाओ। चलो भाई सबसे पहले अभी कुंड के लिए चलते हैं नहाने के लिए। सामने देखो सामने। ओके बस नहाने का, कपड़े वपड़े कुछ नहीं धोने का, वही है कुंड का ही। अच्छा कुंड का पूरा अंदर साइड से, अंदर कहाँ से जाना है? सो गाइस दिस इज कुंड।
सो गाइस अभी नहा लिया, स्नान कर लिया, गौरी कुंडी आ रहा है मेरे मुंह से, कुंड में समथिंग नाम था बताऊंगा, और यहाँ पे ही गोदावरी प्रकट हुई थी एंड गौतमी नाम भी है वहाँ पे, वो गौतम ऋषि का नाम से लेके गौतमी नाम रखा गया था। अभी मैंने सब कुछ पूछा है यहाँ पे, देन अभी नहा लिया, अभी मंदिर चलेंगे दर्शन के लिए, देन आपको दिखाता मैं गाइस अंदर। कितना था आपने? तीन दिया था ना? तीन दिया था आपने? नहीं, 11 बंडल दिले ना दादा। बताओ उसमें कितने? मेरी तरफ से खिलाओ, ये मेरी तरफ से खिलाओ, नहीं नहीं कोई नाराज का कोई दिक्कत, मैं पूछ रहा था अम्मा से, बस ये तुम्हारा सो दोनों का, ठीक है समझ। बाय। सो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से मंदिर के लिए। अभी मैं यहाँ पे रुका तो सबसे पहले बोलने लगा ये गो का दर्शन सबसे पहले करने का, गो माता का, फिर जाने का, इसलिए बोला, इसलिए मैंने कर दिया, और ठीक है यार, संतृप्ति है। तो गाइस अभी पूरी ऑर्डर की, अभी खाएंगे सबसे पहले, एंड फिर ब्रह्मागिरी पर्वत, एंड यहाँ से गंगा प्रकट जहाँ पे हुई है वहाँ पे जाना है, और फिर हनुमान जन्मस्थल भी जाना है, तो जल्दी से खा लेते हैं और निकलते हैं। गाइस ये है एंट्रेंस, यहाँ से देख सकते हो, फाइनली अंदर आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे लाइनिंग वगैरह रहेगी क्या। जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस ये मुकुट है, देख सकते हैं, जो हर सोमवार को निकालते हैं एक बार और दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे है ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और रुद्रदेव यहाँ अंदर।
तो गाइस अभी दर्शन खत्म हुए एंड अभी बाहर जाना है, कुछ फोटोज लेके बाहर चलते हैं। देख सकते हो भी, आपको मंदिर दिखाता मैं बाहर से पूरा लुक। क्या ही शांति मिल गई गाइस, हर हर महादेव। तो गाइस अभी दर्शन हो गए, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, निकल जाता हूँ। अभी पिक्चर्स वगैरह मैंने ले लिए, वीडियोस वगैरह। बाहर कहाँ से निकलते सर? वो वहाँ से। ओके सो अभी बाहर निकलते हैं एंड अभी टाइम है, टाइम देखना है, अभी 12 बज रहे हैं और कहाँ कहाँ जाना है डिसाइड करना है उसके बाद। यार ये देखो पूरा आई स्मोक भाई। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोदावरी जन्मस्थल और वहाँ से हम चढ़ेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत का, और वहाँ से महादेव भगवान का नाट्य तांडव ना, हाँ तांडव, तांडव के कुछ मार्क है वो भी देखेंगे निशान। ये गाइस ब्रह्मगिरी पर्वत एंड इधर साइड है गोदावरी, अभी चलते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये है गंगा द्वार, जिसके हाथ में ऐसा रखना तुम्हारा गोत्र बोलना, पटना का गोत्र मल्लेश्वरी बच्चा 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 अच्छा है उनका नाम नहीं, बच्चे नहीं है, नहीं है माता पिता का नाम अंदर तुम्हारा जल हाथ में रखो, तुम्हारा बोलो गोत्र बाकी लक्ष्मी विठल रेड्डी नारायण रेड्डी सुवर्ण सनातन गोत्र, सनातन गोत्र रामकुमार, रामकुमार वासवे कौशिक सिद्धा सकुटुंब सपरिवार चप्पो मैं बोलता हूँ ऐसा चप्पो गंगाद्वार मूलस्थान मूलस्थान मूल गोदावरी तीर्थ यात्रा सफल सफल संपूर्ण संपूर्ण जैनेश्वरी जैनेश्वरी गौतम गंगा देवता देवता प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम पापोहम पापोहम पाप कर्म पाप कर्म पाप संभव द्राभिमाम गंगे गंगे गोदे गोदे आत्मना आत्मना श्रुति श्रुति मूर्ति मूर्ति प्राणुक्त पुण्यफल पुण्य शास्त्रुक्त पुण्यफल वासुदेव विष्णुदेव आचार्य देव शिवकटा गोदावरी गंगाद्वार पूषावर्त सर्व पाप पानी का नाशनम परिवार के नाम से। तो गाइस यहाँ का भी दर्शन हो गया, अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा ब्रह्मगिरी पर्वत क्योंकि मेरे को लग रहा है बारिश होगा। कहाँ से है? कहाँ से है? हैदराबाद। जब हम बात रहे हो सुनो पहले, ये आदिमाय शिव शक्ति पार्वती अच्छा। इसने कोलासुर का वध किया अच्छा। इसलिए कोलाम्बिका नाम से जाना जाता है। ये स्वयंभु निकली, इसको बनाया नहीं किसी ने अच्छा, स्वयंभू जैसे त्र्यंबक राज मतलब ऐसा लिंग नहीं उसको वो आद्या ज्योतिलिंग है अच्छा। ये आदिमाय शिव शक्ति स्वयंभू दर्शन दिखाए अच्छा। थम्बा मावली मराठी कर हम क्या कह रहे पहले सुनो, पहले कश करो इधर
अंदर आके इधर आ जाओ। ये बदल दो। पहले उधर ले। इसे रख दो। हाँ, इसको प्रेस चरण को ये लो। रुक रखो हाथ में। अपने माता पिता का नाम ले लो। माता पिता का नाम ले लो आप तो। अभी ऊपर बोलो। अपना माता पिता का नाम ले। मेरा भाई। ये पूरा त्र्यंबकेश्वर शहर यहाँ ऊपर से इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो एक बार ऊपर यहाँ से। और यहाँ से इधर साइड गोदावरी जन्मस्थल और पार्वती माता भी है। और यहाँ पे 108 शिवलिंग्स। ये पुल के नीचे ये सब 108 शिवलिंग भगवान है। ये पुरातन शिवलिंग 108 महादेव है। ये अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सीधा भगवान से चरण से उतर गया वो अहिल्या माता है। ये सामने शेष अहिल्या गौतम ऋषि ने यहाँ दोनों मिलकर 108 शिव जी की पूजा करके यहाँ पर यत्न करने का हवन किया। अपने जो गोदावरी देखा वो गौतम महामुनि ने तपस्या करके गोदावरी लाया, उसको गौतमी गोदावरी। वे उसी समय के 108 शिवलिंग भगवान। माता अहिल्या ने व्रत किया था क्या कि हमारे पति का जो पातक दूर हो जाएगा तो हम 108 शिवलिंग की यहाँ पूजा करेंगे। जैसे आपने ऐसे छोटा मोटा जो पाप हो जाता है यहाँ पर नष्ट होने सत्य हाथ में जन्म गौतम ऋषि साईक वाचिक मानसिक मातृदेव पितृदेव महापूजा महापूजा चली दान करी से अब अपने मन का इच्छा बन अभी अभी सब की जाए। अब जो दान देगा ये सब साधु भंडार में जाएगा। अब अपने परिवार के नाम से अभी दर्शन हो गए यहाँ पे गोदावरी और 108 लिंग के। अभी जाएंगे ब्रह्मागिरी पर्वत। बहुत बारिश हो रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा है बारिश। तो गाइस अभी हम लोग मैगी खा रहे हैं और मैगी खाने के बाद हम लोग चलेंगे ब्रह्मागिरी पर्वत के लिए। अभी बहुत बारिश हो रहा है यार, देख सकते हो पूरा बारिश ही बारिश है भाई। और अभी चलेंगे और ऊपर देखेंगे कैसा है माहौल भाई, बस अच्छे से जाके आ जाए इतना ही है। तो गाइस अभी निकल गए हम लोग, बारिश हो रहा है फिर भी मैंने सोचा अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं गाइस, तो हमको ट्रेन मिस ना हो इसलिए हम सोच रहे हैं कि बारिश में ही जाके आ जाऊंगा। मेरे साथ एक भाई जुड़े हैं, दोनों मिल के जाएंगे। ए भाई हेलो बोल दो भाई। हेलो। तो हम दोनों जाएंगे क्योंकि मेरा दोस्त ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि उसको बारिश से प्रॉब्लम है। सो अभी ब्रह्मागिरी पर्वत जाएंगे और देखेंगे भाई वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आई नो हवाएं बहुत होती है, मौसम चेंज होता है। सो लेट्स गो। गाइस हम लोग ना भाग रहे हैं, जल्दी भी वापस आना है ऊपर, क्या पता नहीं ज्यादा लेट हो जाएगा इसलिए हम लोग भागते हुए जा रहे हैं मैं और भाई। अभी रोड एकदम मस्त है गाइस इसलिए भाग रहे हैं। ओके यहाँ पे ऐसा आ जाएगा तो रुकना पड़ेगा। चलो आ जाओ भाई। गाइस लोकेशन मस्त है। लोग अभी जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ से ये देखो ऊपर से पानी गिर रहा है। ये देखो रास्ता वहां से।
ओ भाई कितना ऊंचा है, ये देखो गाइस हनुमान, ये इम्पॉसिबल ट्रैक। ओ भाई भगवान, ओ भाई ये देखो, हाँ तो ये गौतम ऋषि देखो कितने कटिंग से आ रहे हैं, कोई तो हेलमेट पहन के आ रहे हैं। इसको चलो लेट अस गो, निकालो नहीं आता, राइट में तो ऐसा होगा। ये देखो रोड भाई, ये इतने पत्थर के बीचों से किसने काटा होगा, इम्पॉसिबल भाई। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मगिरी पर्वत। यहाँ पे शिव भगवान ने तांडव किया था गंगा को प्रकट करने के लिए, मे बी सॉरी प्रकट करने के ही लिए, प्रकट बोलते हैं या कुछ और बोलते गाइस। अंदर की साइड से जा रहे हैं। ओ भाई ये तो पूरा ऊपर है, अंकल छोड़ा अंकिल, फिर कितना ऊपर है? हाँ? कितना ऊपर है? 2-3 किलोमीटर यार। अभी 2-3 किलोमीटर है। हाँ इतना आगे बहुत सीधा है यार। अरे बाप रे, वो है ब्रह्मगिरी पर्वत एंड यहाँ से देख सकते हो आप सीधा, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा बादलों के बराबर, ये त्रिम्बकेश्वर। ओके भाई यहाँ पे मेरे को लगा कि यही है हम इस, मतलब ये मीडियम एक मैदान सा है उसमें पहुँच गए, लेकिन अभी यहाँ से चढ़ना है और यहाँ तक चढ़ना है गाइस, तो बादलों के बराबर। इधर साइड से लेकिन इधर साइड का त्रिकेतेश्वर
आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ का क्लियर दिख रहा है। भाई ये फोन पकड़ आराम से चढ़ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो मेरी जान। ये तो केदारनाथ से ही हार्ड लग रहा है मेरे को, केदारनाथ से हार्ड लग रहा है भाई। हाँ दे देखो नाच रहे, आप चढ़ो एक बार देखेंगे अगर भाई दिखते हैं भाई। यहाँ से रोड होगा भाई, भाई यहाँ से रोड होगा, वहाँ पर पानी की वजह से अपने सब कुछ नहीं घूमा पर। हाँ एक बार वो देखना था, मतलब जो लोग जाते हैं वो कैसे जाते हो ऊपर? कोई नहीं जाते ऊपर, तो जो महादेव ने तांडव किया वो कहाँ है? हा? नीचे वो जो नीचे दिखा था त्रिशूल वहां पे है तांडव? हाँ। ये नहीं है, ये खाली है भाई, तू भी रुक मत जा ऊपर। ओ भाई मत मत भाई डेंजर, चल भाई चल चल चल, वो चप्पल भी मिल जाएगी आराम से भाई। हर हर महादेव, अरे तुम्हारे पास कौन है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है शिव जटा, शिव तांडव। ये क्या है यार? हाँ हुआ है। गाइस ये हम इस तरफ ये वाला जो ऊपर वाला छोड़ के ये वाला इधर नीचे आए, अब हम उसके ऊपर उस पार जाना है। मतलब भाई ये क्या है, ये तो पीछे देख ले, ये देखो ये ऊपर साइड टेकड़ी है एंड ये अपोजिट साइड से त्रिकम्बेश्वर, अपोजिट साइड ये पूरा देखो गाइस दिया जल रहा है। तांडव कहाँ है? तांडव जी, तांडव शिव ने तांडव किया ना, तांडव करते करते यहाँ पे आए। अच्छा यहाँ पे आए, यहाँ पे जाता आपके अंदर इधर जाता हो कि नहीं सनी हो? अच्छा ये पत्थर पे जो है, ओके गाइस ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को ये है साइड जटा, सामने से दिखेगी ना वो? हाँ सामने से दिखेगी और आगे और किला है, वही आगे वाले में खुला दुर्गा भंडार नाम का है ये ऊपर। अरे वो बहुत अच्छा, चलो चलो आते हैं, हम जा रहे हैं नीचे जाना है, हम हैदराबाद से। ये गाइस शिव जटा देख सकते हो आप, थोड़ा ऐसे हमने पत्थर रखने के लिए ये वाला पत्थर उठाया, दिन यहाँ पे साफ हो गए भाई, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा भी हो सकता है महादेव का दर्शन। Thank you.
मतलब गाइस एकदम से निकल गया गाइस, ऐसा लगता है छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े साथ में एक होते हैं। ये देखो मतलब अजगर महादेव जी का ही दर्शन। हाँ इससे क्या फायदा। हाँ महादेव जी ने महाराव ने दर्शन दे दिया। गाइस हम लोग इधर है, जाके बता देता हूँ आप लोगों को। इधर जो है ये गंगा मुख है ना, अभी निकलते हैं इसको वापस क्योंकि मैं काफी ज्यादा भीग गया हूँ। ये भाई को बहुत ठंडी लग रही है, पता नहीं इतना ठंड कैसे लग रहा है भाई को। बताओ ना क्या रीजन है आपको ठंड लग रही है। बारिश नहीं है की वजह से मेरे को तो नहीं लग रहा है सच में यार। सही बात नहीं गाइस, अभी चले जाएंगे नीचे। बट बहुत मजा आया भाई, यहाँ आए अच्छा हो गया हमने कैंसिल नहीं किया। ओके अभी ऑटो पे चले जाएंगे, आधा चलेंगे अभी गाइस, थोड़ा चलना पड़ेगा, पूरी वो जो क्रिटिकल सीढ़ी थी ना वो उतरना पड़ेगा। इस अभी बज रहे हैं 5, हम लोग अभी एकदम नीचे आ गए, पूरा नीचे, मतलब अभी यहाँ से निकल जाएंगे सब नीचे के लिए ऑटो पकड़ के। और 3 घंटे बोल रहे थे लोग, लेकिन हमको चढ़ने में 20 मिनट लगा एग्जैक्टली, और उतरने में शायद से 15 मिनट, पूरा 35 मिनट लगा। एंड वहाँ पे हम लोग शायद से 1:40 मिनट या 50 मिनट थे अपन ऊपर ना, वहाँ पे बहुत घूमा डांस करा और वहाँ पे लाइक थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर हमको पूरा मिला के 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समझ लो। तो यस गाइस ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके ऊपर है, लोग तो वहाँ पे 7-7 घंटे लगा दे रहे हैं चढ़ने में, बट यार डिपेंड ऑन यू मी। तो अभी आगे नीचे अभी चलेंगे। तो गाइस अभी क्या मैं रेडी हो गया, अभी मतलब मैंने कपड़े वपड़े निकाल लिए, अभी हम यहाँ से त्रिकेम्बेश्वर से जा रहे हैं नासिक जा रहे हैं, नासिक के लिए अभी यहाँ से बस निकलेगी। और गाइस ये देखो मैंने क्या लिया, ये आप लोग संख देख सकते हो भाई, बद्रीनाथ में इसका प्राइस समथिंग 700-800 रुपीज़ था और यहाँ पे मैंने 300 रुपये में लिया, ये बहुत बड़ा है गाइस ठीक है, और मतलब यहाँ पे सही प्राइस में मिल गया मेरे को और सब बड़ा है ऐसा ही सेम, इससे थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा सही है तो यही साइज था आई डोंट नो, बट मेरे फ्रेंड ने एक ने 1500 लिया, सो मैंने तो कम में लिया, 300 में लिया मैंने। सो भाई मज़ा आ गया है, अभी यहाँ से निकलते हैं नासिक के लिए। एंड यही था गाइस अपना ट्रिप त्रिकेम्ब या मैं नाम भी भूल जा रहा भाई इसका नाम। सो गाइस अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर को बोलते हैं बाय बाय एंड यहाँ से सीधा चलने वाले हैं भाई, मज़ा आ गया गाइस।